दोस्त लोगों, रात के बज रहे हैं 3, हम लोग निकल चुके हैं मथुरा जाने के लिए और अभी थोड़ा सा पैदल पैदल चल रहे हैं, स्टेशन के बिल्कुल पास में है। ये मात्र बचा है 3 से 4 मिनट और अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वहाँ कुछ होप दिख नहीं रही है, सामने रास्ता बंद लग रहा है। नहीं, पता नहीं हम लोग किधर से जाएंगे। खुला है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे वर्क चल रहा है ना, तो हमें लगा कि ये रास्ता बंद होगा, पर अभी देखते हैं आगे चल के। और टिकट हो गया है, बस टिकट हो गया है वृंदावन के लिए। हम लोग निकल रहे हैं सुबह 3 बज रहे हैं ना, 3 बजे होता है ना। कई बार नया रास्ता ट्राई करने के चक्कर में हम लोग रास्ता भटक जाते हैं और बहुत भटक भटक के रास्ता पहुंच गए हैं फाइनली स्टेशन में। आगे की जर्नी आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा सुकून मिला है। ट्रेन भी आप 8 घंटे डिले है, वैसे हम लोग बिल्कुल आठ मिनट वैसे हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम आए हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि साला ट्रेन छूट ना जाए। 8 घंटे चलो कहीं साला ट्रेन छूट ना जाए, पर ट्रेन छूटेगी नहीं क्योंकि 8 मिनट डिले है। तो मिलता हूँ फिर, आगे की जर्नी दिखाता हूँ आप लोगों को। एसी हो गया है दोस्तों, कि अभी हम लोगों ने देखा है इसमें जनरल डिब्बा ही नहीं है, सारे एसी वाले हैं, जाने का कोई चांस नहीं है। मोए हो गया हम लोगों के साथ। चल लिए हैं दोस्तों, हम लोग बाइक से जाएंगे, अंधेरा काफी है तो शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। सोसाइटी देखिए पीछे, निकल लिए हैं अभी, आगे लाइट भैया साहब लोगों, ठंडी का बहुत तगड़ा माहौल है और हम लोग यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक ढाबे पे रुके हुए हैं। कौन सा ढाबा है? शिव ढाबे में रुके हुए हैं। अभी जाएंगे कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। वृंदावनाथ पहुँच के तुम लोगों को दर्शन जरूर कराएंगे। बरसाने और बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे चल रहे हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे। कितने पकड़ो चलो। यहाँ पे दर्शन किए हैं ना, कितने? दो, एक तो लाडली जी के दर्शन और राधा रानी किशोरी। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं और ये पेड़ देखिए आप लोग, और मयूर बिहारी, और नाम कमेंट में बताइए जल्दी से। हाँ, ये कौन सा पेड़ है, कौन से पेड़ है? अरे बता दीजिए, ये अभी अच्छा सूखे हुए हैं। गैवर में नीचे कैसे हैं? अच्छा, ये अभी सूखे, इनका पतझड़ हुआ है। रहते हैं ये? अच्छा, नहीं अभी इनमें देखो ना, वो खिल रहे हैं। देखो भैया, ये तो बहुत तगड़ा हो रही है। क्या भैया, मौसम ऐसे जाऊंगो, ऐसे मेहनत। इधर आओ, इधर देखो, आज मैं तुम लोगों को एक यूट्यूबर से मिलवाऊंगा जिनसे आज मैंने कोलैब किया है। हमें यहाँ पे मिले हैं, मथुरा में मिले हैं, इनके साथ मैं आया हूँ यहाँ बरसाना, और इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, वृंदावन। हाँ, वृंदावन जाएंगे, इसके बाद वृंदावन जाएंगे। तो ये बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और इनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। इनके यूट्यूब पे में भी कितने हैं, 154K सब्सक्राइबर हैं इनके,
तो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और राधे राधे। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके का कंटेंट बनाने से आपकी तरह मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अगर आप मेरे 5,000 सब्सक्राइबर है, तीन चार जगह मतलब तीन चार चीजें ऐसी हैं। अगर आप अच्छा एक सेकंड, मैं इनका भाई साहब का जो चैनल लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इनको भी देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। देखिए मेरा तो दो चीजों का है, जैसे मैं ट्रेवलिंग करता हूँ एक उसका डालता हूँ, एक मैं जैसे स्टडी भी कर रहा हूँ तो मैं उसका बीच बीच में मतलब लेके आता हूँ, लोगों को मैं गाइड करूँ कैसे वो लोग अपना कर सकते हैं काम। ठीक है, तो जैसे आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं आप जिस उसमें है आप उसका क्या करते हैं? अभी तक हम लोग पहले पढ़ा रहे थे। हाँ पढ़ा रहे थे, तो आप पढ़ाने की वीडियो पहले बना रहे थे। अब आप किस क्षेत्र में मतलब किस में आप काम कर रहे हैं वैसे? अब तो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो भाई मतलब देखिए ब्लॉगिंग के भी दो तीन तरीके होते हैं। हाँ एक तो डेली ब्लॉग हो गया। हाँ एक डेली ब्लॉग, एक अपनी चीजों को मतलब शेयर करना, मैं डेली अपना कैसे मतलब क्या कर रहा हूँ वही डेली ब्लॉग। एक दूसरी चीज होती है कि मतलब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेवलिंग दिखाने की चीजें मतलब कैसे। यहाँ पे आप एक चीज देखा होगा, लोग यहाँ मतलब लेटते हुए मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अपनी जो उनकी मन्नतें वो पूरी कर रहे हैं, ये सारी यही सब चीजें मतलब यही सब चीजें दिखाना। दंडवत प्रणाम है, दंडवत मतलब चलना ऐसे मतलब दंडवत परिक्रमा वही बात, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मतलब यही चीजें हैं, ये सब चीजें दिखानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो लोगों को देखो, लोग काफी लोग जैसे मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं आया इस तरह कोई देखेगा वीडियो वो भी आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हाँ मैंने चीजें देखी है, तो आगे अच्छा ये बताएगा। और ये हम लोग बहुत बेहतरीन जगह पे आए, आप खत्म करिए। अब देखिए ये जो गली है ये पूरी बनारस के तरीके है, पहले बनारस में मैं गली दिखा देता हूँ ना, तुमसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? डेढ़ दो घंटा तुमसे मेंबर रिवील कर जाएगी। इतना ज्यादा अरे ये सब चली है यूट्यूब मजा ही, तुम चाहे जितना बोलो। कितना ज्यादा कंटेंट एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप 10 कदम चलेंगे पहले जो वरसाना का मंदिर आता है ना, बरसाना के मंदिर तो यूपी में है। जैसे ही आप 10 कदम आगे चलेंगे आप राजस्थान में एंट्री कर जाएंगे। दूसरा अभी अभी करंटली हम लोग राजस्थान में है दोस्तों, वो देखिए आप दिखाई बैक लोग देखिए कितना अच्छा व्यू है। इधर देखिए ये इस रास्ते में भी हम लोग जाएंगे और ये क्या गजब का नजारा, ये इसे पर्वत तो नहीं बोल सकते लेकिन आप इसे एक पठार टाइप चढ़ना पड़ेगा ज्यादा। अभी अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ लेंगे फिर नीचे ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, अगर ऊपर ऊपर चलते हो तो ऊपर से कम चढ़ना पड़ेगा, पैर खत्म हो जाएंगे, चप्पल जूता नहीं है। अभी देखो किधर जा रहा है, अभी देखो यहाँ पे भाई साहब ने बताया है एक टास्क हम लोगों को दिया है कि अगर हम लोग नीचे वाले रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये साल्ट है पर यहाँ पे ये पत्थर पड़े हुए हैं और हम लोगों ने हम लोग यहाँ पे नंगे पैर हैं। देखिए देखिए अगर आप मथुरा चप्पल नहीं पहन रखी है ना ही जूते पहन रखे हैं, अगर आप मथुरा घूम रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी कैसे कैसे जाना है कैसे क्या करना है, ये आप चीजें देखें और क्या स्ट्रगल है आपका। मैं इनके पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ भाई, ये पैर खत्म हो गए, आप जीवन एक लोगों को इतना ज्ञान दे दिया और खुद नहीं चढ़ पा रहे हैं। ये देखिए लोगों को इतना ज्ञान देने के बाद ये खुद नहीं चढ़ पा रहे हैं। क्या भैया लोमड़ी बने हो? अरे ये फोटो ये फैन चढ़ना नहीं है पर ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर ये पत्थर पड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नंगे पैर हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है चढ़ने में। अभी देखिए हमें ये ऊपर जाना है चढ़ाई करके, अभी एक बजने वाला है और मंदिर भी बंद होने वाला है, भी थोड़ी देर के लिए भगवान जी को रेस्ट दिया जाएगा, उसके पहले पहले हम लोगों को पहुंचना है, तो हम लोग फटाफट से जा रहे हैं और दर्शन करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको, उसके बाद और भी नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे है ना। अभी फटाफट से जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता है, देखिए गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, पतला सा रास्ता है बिल्कुल पगडंडी सा और यहाँ पे गाड़ियाँ भी लोग बाइक लेकर के आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना लोग सर्विस भी दे रहे हैं कि वो अपना हीरो होंडा या कोई भी एक बाइक लेकर के खड़े हैं, वो बोलते हैं मैं वहाँ तक आपको मंदिर तक छोड़ दूंगा, उसका कुछ चार्जेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बिजनेस भी चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको बाइक भी देखने को मिल रही थी, अभी जो बाइक गई थी वो इसी पर्पज से है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना वो सर्विसेज दे रहे हैं।
लोगों के जूते हम लोगों ने पहन लिए हैं जूते बाइक के पास। जूते पहन के बहुत हल्का लग रहा है, पैरों में जान आ गई है, पूरे पैर मतलब पूरे पत्थर के हो चुके थे। इतना भाई नुकीला रास्ता, इतना पथरीला रास्ता लग रहा है, थोड़ा कम्फर्ट लग रहा है। क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ, बहुत मजा आई, लेकिन कुछ भी कहो ब्लॉग के चक्कर में शहीद ना हो जाइयो। पहुंच गए हैं मथुरा, ये देखिए सभी लोग आ रहे हैं मथुरा के, वृंदावन, वृंदावन पहुंच गए हैं मथुरा में। मथुरा परिक्रमा चल रही है और ये परिक्रमा वाला मार्ग है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, और अभी जाएंगे एक आश्रम में, फिर वहाँ से मंदिर और दर्शन करेंगे, अभी प्रेम मंदिर बाकी है, फिर प्रेम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे आपको भी मजा आएगा और मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ पर मजा तो आएगा दोस्तों। अरे देखो पीछे हर्षित हेलमेट लगा के बाइक से आ रहा है, ये हर्षित है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के, और हमारे साथ है ये फेमस यूट्यूबर, अगर आपको याद हो फेमस यूट्यूबर प्रिंस। कल से बैठे ही हैं, पूरा परेशान हो गए बैठे, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पूरा जाम हो चुका है, पत्थर तो सोचा तो वैसा ही हुआ, तो ना मथुरा आके मजे ही मजे करेंगे, आज तेरी क्या मजे ही मजे, लेकिन हालत खराब हो गई भाई घूमने का, पर बहुत मजा आया है इस तरीके का मजा लेने के लिए, घर से बाहर हमेशा नहीं आता है। वृंदावन की गलियों में घूमने का मजा ही कुछ अलग है, और अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पर हैं, ये इधर परिक्रमा मार्ग है यहाँ से लेकर इधर, और ये देखो ये आ रहे हैं भाई लोग, अपने भाई लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे आश्रम। हेलो गाइस, हम लोग अभी भटके हुए मुसाफिर हैं, थोड़ी देर में मंजिल में पहुँच जाएंगे। जा रहे हैं बस, चलिए आगे बढ़िए, कहाँ चलना है मोए मोए, यही नहीं पता कहाँ चलना है। सीधा चलना है ठाकुर मार की तैयारी करा, मार्ग पर है बांके बिहारी के मुख्य मंदिर के रास्ते में, थोड़ा सा भीड़ है रास्ते पर, बहुत ज्यादा भीड़ है। क्यों भीड़ है? संडे की वजह से। हाँ संडे की वजह से भी भीड़ है, क्योंकि वीकेंड है और सारे ही भक्त गढ़ आते हैं, उनको समय मिलता है यहाँ भगवान के साथ थोड़ा सा। अभी हमको जाके आगे से लेना है प्रसाद और उसके बाद जाएंगे बंदर पकड़ लेगी निकलते रहे तो कहीं पर भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ दर्शन कर रहे हैं, नहीं सिर्फ मेला मेला बना रखा है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, क्रॉस करना है इसको, कैसे क्रॉस करेंगे? चलो कुछ सोचते हैं। अब एक कठिन समस्या ये है कि हमें ये 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 पार करके जाना है, तो कैसे पार करेंगे, या तो यहाँ से जंप करना पड़ेगा या फिर कहीं दूर से आना पड़ेगा, तो डिसाइड नहीं हुआ है कि जंप करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, जंप कर लेते हैं। फाइनली चेकिंग हो गई है और हम आ गए हैं अंदर प्रेम मंदिर के, क्या जबरदस्त नजारा है भाई साहब, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, और अपने अपने चित्त पर गजब 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 संभाले यहाँ पे।